हेलो दोस्तों, मैं आशीष, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे दोस्तों, कोई व्यक्ति अगर पॉइजन्स खा लेता है, ठीक है, जो पॉइजन्स होते हैं, जो कीटनाशक दवाइयां होती है दोस्तों, आपके घर में आसानी से मिल जाता है, ठीक है, सभी के घर में जो गांव में रहते हैं, ठीक है, जो अनाजों में रखा जाता है तो आसानी से मिल जाता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर ज़्यादा डिप्रेस रहता है तो वो खोज कर कहीं से खा लेता है, ठीक है। तो अगर ऐसा आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, ठीक है, अगर आप एक जैसे कि फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, कोई व्यक्ति खा लिया है, हॉस्पिटल पहुंचने में देरी है, तो उसको आप फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दोस्तों दे सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में डिटेल में जानेंगे दोस्तों वीडियो में, दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो बात करेंगे कोई भी व्यक्ति अगर जैसे कि पॉइजन को ले लिया है तो उसको पहला ट्रीटमेंट ये है दोस्तों, उसको वोमिटिंग कराना है आप लोगों को, ठीक है। चाहे जैसे आप वोमिटिंग कराएं, चाहे नमक पानी का घोल पिलाएं, दोस्तों उसे पीते ही नहीं है, ठीक है, तो उसके जो गले तक उंगली डालकर दोस्तों उसके क्या किया जाता है, वोमिट कराना चाहिए। अगर आप गले तक उंगली डालकर उसको वोमिट करा देते हैं या फिर वो वोमिट नहीं करता है किसी कारणवश से, ठीक है, कराने के बाद जैसे वोमिट नहीं कर पा रहा तो उसको हॉस्पिटल ले जाना दोस्तों ज़रूरी होता है, ठीक। हॉस्पिटल आप जैसे कि कोई व्यक्ति अगर जहर खा लिया है तो वो उसको तुरंत नहीं मरेगा दोस्तों, उसको लगभग एक घंटे वो तड़पता है, एक डेढ़ घंटे तड़पने के बाद ही उसकी मौत होगी। अगर उसको सही समय पर ट्रीटमेंट मिल गया, तो वो उसकी जान बचाई जा सकती है। लगभग 95% लोगों की दोस्तों जान बचाई जा सकती है जहर खाने से, ठीक। तो उसको एक हॉस्पिटलाइजेशन किया जाएगा, उसको हॉस्पिटल में भेजा जाएगा दोस्तों, लिया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस क्या होता है, उसमें उसके नाक से एक पाइप डालते हैं जिसको बोलते हैं आरटी दोस्तों, ठीक है। उसको नाक से एक पाइप डालने के बाद उसके पेट तक जो पहुंचता है, ठीक है, उसके माध्यम से जो भी जहर रहता है वो बाहर निकालते हैं, ठीक है। बाहर उस पहले पाइप को डालेंगे तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक लिवेज बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसके माध्यम से पाइप के माध्यम से जो जहर रहता है उसको बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद उसमें फिर एनस वगैरह जो रहता है नॉर्मल सेलाइन उसको डाला जाता है। डालने के बाद स्टमक को अच्छी तरह से क्या किया जाता है, साफ किया जाता है, जिससे कि कोई भी जो पॉइजन्स है, जैसे कि अगर पॉइजन्स दोस्तों एब्जॉर्ब हो गया बॉडी में, पॉइजन्स अगर एब्जॉर्ब हो गया तो पूरे बॉडी में वो फैल जाएगा दोस्तों, तब जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने लगा पॉइजन्स, तब जान बचाना दोस्तों मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जो भी ट्रीटमेंट रहता है फास्ट होता है पॉइजन्स का, ठीक है। तो गैस्ट्रिक लिवेज के माध्यम से क्या किया जाता है कि जो भी पॉइजन्स लिया रहता है उसके माध्यम से क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है। अगर ये लगता है कि अभी उसके पेट में जहर है दोस्तों, ठीक है, तो एक आता है चारकोल, ठीक है, चारकोल जो कि बहुत ही अच्छा एब्जॉर्ब करता है पॉइजन को, ठीक है, एब्जॉर्बेंट है, पॉइजन को एब्जॉर्ब करता है, तो उसको आरटी के माध्यम से ही उसको क्या किया जाता है, दिया जाता है, जिससे कि वो पेट में जाके पूरी तरह से जो एब्जॉर्ब उसको जो भी पॉइजन्स रहता है उसको एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है, जिससे कि पेशेंट की दोस्तों जान बचाई जा सके। तो अगर ये सब करने के बाद अगर पेशेंट जो है वो नॉर्मल हो जाता है, ठीक है, बीपी वगैरह, ईसीजी वगैरह सब कराते हैं, जो भी जांचेस होती हैं वहाँ पे, वाइटल्स वगैरह दोस्तों लिया जाएगा, क्योंकि कोई भी पेशेंट है उसको वाइटल्स लेना ज़रूरी होता है। तो कोई भी जैसे कि वाइटल्स वगैरह अगर ठीक है कुछ टाइम बाद, 2-4 घंटे बाद देखने के बाद, तो उसको नॉर्मल दवाइयों पर दोस्तों छोड़ दिया जाता है, ठीक है, पेशेंट अगर स्टेबल हो गया तो। अगर नहीं स्टेबल हुआ, अगर ये पता चल जाए कि कौन सा जहर ये खाया है व्यक्ति, तो उसका डोज, अगर उसका एंटीडोट जो होता है हॉस्पिटल में अवेलेबल है तो उसको दिया जाता है, ठीक है, उसका एंटीडोट दे के उसको जो पॉइजन्स हो तो उसको ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है। ये था दोस्तों पॉइजन का ट्रीटमेंट। अगर आपके कहीं भी ऐसा घटना घटती है तो आप इसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जो कि दे सकते हैं, ठीक है। हॉस्पिटलाइजेशन दोस्तों ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पर प्रोसेस डॉक्टर्स वगैरह रहते हैं, अच्छे से ट्रीट कर देते हैं पेशेंट को, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जय जय भारत। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरे देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।